हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप VN ऐप में कुछ इस तरह का ट्रेंडिंग रील्स वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। एंड हाँ, आज की इस वीडियो पर मैं आपको हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ, जैसे कि आप अपने वीडियो में कैसे शेक इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, स्लो मोशन कर सकते हो, इफेक्ट कैसे ऐड कर सकते हो, ट्रिपल लेयर वाली एडिटिंग कैसे कर सकते हो, हर एक चीज आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो वीडियो को हम एडिट करने वाले हैं VN ऐप में। तो सबसे पहले आपको अपने VN ऐप को ओपन कर लेना है। एंड अगर आपके पास VN ऐप नहीं है देन इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आप इसे ओपन करना, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। नाउ अब आपको यहाँ पे प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे अपना वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिसे आप एडिट करना चाहते हो। तो आप यहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन में आ जाओ एंड यहाँ पे आप थोड़ा बहुत स्क्रॉल करोगे तो आपके डिवाइस में जितना भी वीडियो होगा वो सारा आपके सामने आ जाएगा। अब जिसे आप एडिट करना चाहते हो उसे आप यहां से सेलेक्ट कर लो। जैसे कि मैं इस वाले वीडियो को एडिट करना चाहता हूं तो मैं इसे यहां पे सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद आपको यहां पे एक नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है एंड अपने वीडियो को आपको यहां पे ऐड कर लेना है। तो आप यहां पे देख सकते हो हमारा जो वीडियो है वो ऐड हो चुका है। और इसे मैं प्ले करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो बिल्कुल एक नॉर्मल सी वीडियो है, ठीक है। इसमें ना आपको कोई ट्रेंडिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है और ना ही इसमें कोई भी शेक इफेक्ट वगैरह ये सब है। ओके, तो सारा एडिटिंग अभी हम करने वाले हैं, सारा चीज अभी हम सीखने वाले। बट सबसे पहले ना आप यहाँ पे बिल्कुल लास्ट आना और जो ये ब्लैक टाइप कर रहा था इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट डिलीट कर देना, ठीक है, क्योंकि वो हमारे कोई काम करे, वो एक वाटरमार्क के जैसा है तो उसे आपको हटा देना है। अब सबसे पहले ना आपने जितना भी ट्रेंडिंग रील्स वीडियो देखा होगा उनमें एक चीज कॉमन पाया होगा जो कि है स्लो मोशन। तो सबसे पहले हम चलिए हम लोग भी ये सीख लेते हैं कि कैसे अपने वीडियोस को हम स्लो मोशन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्लो मोशन करने के लिए आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करोगे देन आपको सामने यहाँ पे एक स्पीड का ऑप्शन आ जाएगा, यहां आपको क्लिक करना। यहां आप क्लिक करो देन आपके सामने ना काफी सारे पॉइंट आ जाएंगे, आप फिर आप बोल सकते हो डॉट आ जाएगा, इनकी मदद से आप यहां पे स्लो मोशन कर सकते हो। बेसिकली आपको इस पॉइंट को जस्ट नीचे करना होता है एंड वहां पे आपका जो वीडियो को स्लो हो जाएगा, लाइक आप यहां देख पा रहे हो। आप ज्यादा स्लो करना चाहते हो तो यहां पे नीचे और ज्यादा कर देना, ठीक है। मतलब जितना आप स्लो करना चाहते हो उतना आपको जस्ट इस पॉइंट को नीचे कर देना है एंड आपका वीडियो स्लो हो जाएगा। कॉन्सेप्ट यही है बस। अब इसमें बात ये आता है कि आप कहाँ पे स्लो करना चाहते हो, मतलब जहाँ आप स्लो करना चाहोगे वहीं पे आपको इस पॉइंट को नीचे करना होगा, ठीक है। मान लो आप यहाँ पे स्लो करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट को नीचे करना होगा, लेकिन यहाँ पे तो यार पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। ये एक सवाल खड़ा होता है कि भाई जहाँ पे पॉइंट नहीं है एंड अगर मैं वहाँ पे स्लो करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ। तो इसका बहुत ही आराम सा एंड एक सिंपल सॉल्यूशन है। आप यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखो, ऐड स्टोरी का एक ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करना, पॉइंट ऐड हो गया। अब इस पॉइंट को पकड़ के आप नीचे कर सकते हो, ठीक है, नीचे करोगे वहाँ स्लो हो जाएगा। तो आपको जहाँ जहाँ स्लो करने का मन करता है जस्ट वहाँ पे इस पॉइंट को पकड़ो और नीचे कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट के पास इसे थोड़ा स्लो करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे नीचे कर दिया और इसे मैंने यहाँ नज़दीक लेके आ गया क्योंकि स्लो में ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद फिर से मैं चाहता हूँ कि यहाँ से स्लो होना स्टार्ट हो तो यहाँ पे मैं फिर से एक ऐड कर लूँगा ये वाला बीट और इसे नॉर्मल फिलहाल रख लेता हूँ, फिर यहाँ पे थोड़ा स्लो कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर्व बनाया हूँ जिसमें कि नॉर्मल चल रहा है, फिर यहाँ पे स्लो होगा, फिर यहाँ पे नॉर्मल होगा, फिर स्लो होगा, ठीक है। तो आपको जैसा कर्व सही लगे या फिर आपके वीडियो के ऊपर जैसा सही लगेगा उस तरीके से आप यहाँ पे अरेंज करना। मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से अरेंज किया है, उसके बाद जस्ट आपको डन कर देना। तो आपका जो यहाँ पे स्लो मोशन है वो कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कैसे हम अपनी वीडियो में कुछ शेक इफेक्ट वगैरह या फिर इफेक्ट हम कैसे ऐड कर सकते। तो आप अपने वीडियो में जहाँ पे भी कोई इफेक्ट ऐड करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे स्लो मोशन स्टार्ट हो रहा है, अगर हम वहाँ पे कोई इफेक्ट ऐड करें तो वो देखने में काफी अच्छा लगेगा, शेक इफेक्ट वगैरह या फिर थ्री लेयर वाले इफेक्ट, ठीक है। तो जहां पे भी आप इफेक्ट ऐड करना चाहते हो वहां पे आपको आ जाना है एंड उसके बाद अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करके आपको ये जो स्प्लिट का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपका जो वीडियो को स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। स्प्लिट हो जाने के बाद अब आप यहाँ पे अपने वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हो, फिर यहाँ पे एफएक्स के ऊपर क्लिक करना, यहाँ आप क्लिक करोगे देन आपके सामने बहुत सारे इफेक्ट आ जाएंगे।
लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे आपके सामने यहाँ पे इफेक्ट वगैरह आ जाएगा कुछ इस तरह का बीट वगैरह वाला, और यहाँ पे सेक इफेक्ट वगैरह भी आपको यहाँ पे काफी सारे देखने को मिल जाते। तो इनमें से अगर आपको कोई सेक इफेक्ट वगैरह अच्छा लगता है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे थ्री लेयर वाली वीडियो एडिटिंग करने में इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए ना एंड ये जो स्प्लिट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है इसके ऊपर आप आ जाना और यहाँ पे थ्री लेयर को सेलेक्ट कर सकते हो। सिर्फ एक क्लिक में आपका जो यहाँ पे थ्री लेयर वाली एडिटिंग है वो हो जाएगा, लाइक आप यहाँ देख पा रहे हो। फिर आपको जस्ट डन कर देना है, तो आप यहाँ देख सकते हो ये हमारा नॉर्मल वीडियो एंड थोड़े देर के बाद यहाँ पे हमारा जो है वो थ्री लेयर वाली एडिटिंग हो रही है। तो थ्री लेयर वाली एडिटिंग आप जितना दूर तक रखना चाहते हो, सपोज आप इतना दूर तक रखना चाहते हो तो वहाँ तक आप रखना, फिर अपने वीडियो को स्प्लिट कर देना। फिर दूसरा इफेक्ट आप ऐड करना चाहोगे तो वही इफेक्ट्स के ऊपर जाना होगा एंड यहाँ से आप इफेक्ट को चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इस बार जीटर आप एक सेक इफेक्ट को रखना चाहता हूँ तो उसे मैं रख लेता हूँ, फिर यहाँ डन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप यहाँ पे इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ पे सेक इफेक्ट वगैरह ऐड करना चाहते हो या फिर आप बोलो ट्रांजिशन ऐड करना चाहते हो तो ट्रांजिशन वाले बटन के ऊपर आप क्लिक कर देना, फिर यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ट्रांजिशन देखने को मिल जाएंगे। कुछ इस तरह का जूम वाला आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ ऐसा वाला जो ट्रेंडिंग में वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो आपको पसंद आता है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक मैं इसे रख लेता हूँ, बस थोड़ा कम करके डन कर लेते तो आप यहां पे देख पाओगे कुछ इस तरीके से हमारा जो वीडियो वो एडिट हो चुका, ठीक है। तो आपको जैसा मतलब इफेक्ट अच्छा लगता है अपने वीडियो को पर उस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर लेना। मैंने आपको यहाँ पे तरीका दिखा दिया कि हाँ इस तरीके से करके आप यहाँ पे थ्री लेयर वाली इफेक्ट या फिर सेक इफेक्ट वगैरह ऐड कर सकते हो। लाइक यहाँ पे ट्रांजिशन के ऊपर जाओगे तो फिर आपको यहाँ पे कोई दूसरा ट्रांजिशन यूज़ कर सकते हो, जैसे ये यूज़ करूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारी वीडियो, आप देख सकते हो थ्री लेयर उसके बाद ये वाला काफ़ी सही लग रहा है, ठीक है। स्लो मोशन वगैरह भी हो गया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एडिट कर लेना। एंड हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है म्यूज़िक, तो म्यूज़िक आपको यहाँ ऐड करना होगा। सो म्यूज़िक ऐड करने से पहले आपने जब रिकॉर्डिंग किया होगा तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड हुआ होगा ना, आसपास का जो भी हवा वगैरह का आवाज़ होता है, हाँ, तो उसी को जस्ट आपको यहाँ पे ऑफ कर देना होगा या फिर हटाना होगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करोगे एक क्लिक में सारा यहाँ पे नॉइज़ वगैरह हट जाएगा। देन आप यहाँ पे म्यूजिक ऐड कर सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करना, फिर म्यूजिक के ऊपर क्लिक करना, माई म्यूजिक में ऊपर जाना, देन म्यूजिक लाइब्रेरी के ऊपर जाकर जो म्यूजिक आप यूज़ करना चाहोगे उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला म्यूजिक यूज़ करना चाहता हूँ तो जस्ट यूज़ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, सेलेक्ट हो गया, फिर यहाँ डन कर देना तो म्यूजिक आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आप बोलोगे भाई आपने तो बोला था कि सारे ट्रेंडिंग इफेक्ट वगैरह हम यहाँ पे ऐड करना भी सीखेंगे अपने वीडियो में, तो यहाँ पे तो मतलब वो ट्रेंडिंग इफेक्ट जो होते हैं हेलो ब्लर इफेक्ट, मतलब ब्लर इफेक्ट और कुछ बॉडी वाले जो इफेक्ट होते हैं वो सब तो यार कैसे करें, मतलब वी एन एफ में तो हमें मिलता नहीं कहीं, तो कैसे उस सब ऐड करें अपने वीडियो के ऊपर। तो वो सब भी आप ऐड कर सकते हो, मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे करना है। इतना आप एडिटिंग कर लो, देन उसके बाद एक्सपोर्ट वाले बटन के ऊपर आप क्लिक करना एंड यहाँ पे ऑटो से आप मैनुअल में आ जाओ, ठीक है। उसके बाद ये जो रेजुलेशन है इसे आप यहाँ पे 4K सेलेक्ट कर लेना, अगर आपके डिवाइस में 4K सपोर्ट करता है। अगर 4K सपोर्ट नहीं करता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 1080 को ही सेलेक्ट करो, बस बिट रेट को बढ़ा देना एंड एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना। अपने वीडियो को आपको एक्सपोर्ट कर लेना है, एक्सपोर्ट आप कर लोगे देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो बाकी के इफेक्ट उन्हें आप कैसे एडिट कर सकते हो। जैसे एक्सपोर्ट हो चुका, अब आप यहाँ पे इसे डन कर दो। डन करने के बाद अब आपको ओपन करना है एक दूसरा एप्लीकेशन जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसका नाम है वीटा एप्लीकेशन, ठीक है, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो वहां से आप इसे इंस्टॉल कर लेना एंड इंस्टॉल करने के बाद वीटा ऐप को आपको ओपन करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। नाउ सबसे पहले ना आप यहां पे जो सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहां आप क्लिक करना एंड ये जो वीटा वाटरमार्क होता है इसे आप यहां पे ऑफ कर देना, ठीक है। ऑफ करोगे तो वाटरमार्क नहीं आएगा, देन आप यहां पे कट कर लो। उसके बाद आपको यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देन अभी जो आपने वीडियो को एक्सपोर्ट किया है उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करना, देन यहाँ पे डन कर देना, तो आपका जो वीडियो होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमने अभी अभी वी एन एफ से एडिट किया था और वही वाला हमारा वीडियो यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। अब इसमें इफेक्ट वगैरह ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे एक इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना। यहाँ आप क्लिक करो देन आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक बॉडी इफेक्ट का और यहाँ पे एक नॉर्मल इफेक्ट। तो इसके ऊपर आप सबसे पहले क्लिक कर लो, यहाँ क्लिक करो देन आपको स्टार्टिंग में ही बिल्कुल स्टार्टिंग में ये जो हेलो ब्लर है वो मिल जाएगा, देख सकते हो ये वाला। तो अगर आपको ये पसंद आता है इसे सेलेक्ट कर सकते हो एंड इसी का सिमिलर एक यहाँ पे आपको फिगर ब्लर भी मिलता है, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोनों में से जो आपको सही लगे उसे सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पर फिगर ब्लर को ही रख लेता हूँ एंड हाँ,
इसके ऊपर एडजस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो और भी चीज़ें आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि आप इसका शेप को बदल सकते हो, फिर यहाँ पे आप इसका जो स्पीड है उसे कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको करने का मन हो कर लेना। और यहाँ पे फिल्टर का भी ऑप्शन है, फिल्टर में सजेस्ट करूँगा बिल्कुल जीरो रखना, फिल्टर अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो जीरो रखना। देन आप यहाँ बैक करोगे और उसको डन करोगे तो आप देख पाओगे ये जो हमारा यहाँ पे ब्लर इफेक्ट है वो अप्लाई हो चुका है हमारे वीडियो के ऊपर, देख सकते हो आप यहाँ पे। और हमारे जो वीडियो है काफ़ी कमाल का यहाँ पे एडिट टू हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप यहाँ पे ये जो ब्लर इफेक्ट है ट्रेंडिंग वाला उसे आप ऐड कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ पे बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट वगैरह ऐड करना चाहते हो तो आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा, मतलब कि इफेक्ट के ऊपर आप क्लिक करते हो दो ऑप्शन आता है ना, हाँ, तो आप यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पर क्लिक करोगे देन आपके सामने काफ़ी सारे इफेक्ट आ जाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक वगैरह वाला जो काफ़ी ट्रेंड में था वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, फिर नीचे आप यहाँ पर आओगे तो ये वाला जो भी काफ़ी ट्रेंड में है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इनमें से जो आपको पसंद है तो उसे सेलेक्ट कर सकते हो, मैं इसे को रख लेता हूं, फिर यहां पे जस्ट डन कर देता हूं। तो आप देख सकते हो ये वाला भी इफेक्ट यहां पे अप्लाई हो गया। ओके, फिर जितना दूर तक रखना चाहते हो उतना दूर तक आप यहाँ से इसे एडजस्ट कर लेना। तो आप यहाँ देख सकते हो जो ट्रेंडिंग वाला वीडियो है उस टाइप का वीडियो हमने भी यहाँ पे एडिट कर लिया, वो भी बहुत ही कम मेहनत से और VN ऐप का एंड वीटा ऐप का यूज करके ही, ठीक है। तो बहुत आसानी से यहाँ पे एडिट हो चुका है। अब इसे अपने डिवाइस में सेव करने के लिए अगेन एक्सपोर्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है एंड आपको जो वीडियो होगा वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको सारा चीज़ समझ आ चुका है एंड अब आप आराम से इस टाइप की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो।